जो आज का टॉपिक है कनेक्शन इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन कौन से कनेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है हमारे पास सीरीज और दूसरा पैरेलल। अब सीरीज़ में क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एक ही वायर से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे R1, R2, R3, मैंने तीन रेजिस्टेंस लिए और तीनों एक ही वायर से कनेक्ट है। हो गया हमारी बैटरी जिसका EMF हो गया E। अब देखो बच्चों, एक ही वायर है तो एक वायर में एक ही करंट अवेलेबल हो सकता है, एक से ज़्यादा करंट नहीं होते, ठीक है। अब मान लेते हैं जो R1 है इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस V1, V2, V3, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, पूरा जो रेजिस्टेंस है ये कितना है V, तो V यहाँ पे इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब जो टोटल रेजिस्टेंस है इसका, जो टोटल पोटेंशियल है वो हो जाएगा आई आर, इसको मैं सीरीज मान लेता हूँ, ठीक है, इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस। V1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई आर वन आई आर टू प्लस R3, क्योंकि आई जो कॉमन है वो कट हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस रेजिस्टेंस का एक यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, अगर एक भी रेजिस्टेंस खराब होता है तो ओवरऑल सर्किट डैमेज हो जाता है और करंट आगे फ्लो नहीं होता। तो अगर एक भी रेजिस्टेंस में कोई भी डैमेज हुआ तो पूरा सर्किट ब्लॉक हो जाता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, ठीक है। उसी तरह आता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल में क्या है, तीन अलग अलग वायर है और तीनों में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, R1, R2, R3, सबको इक्वल अमाउंट में पोटेंशियल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है V, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो कम करंट को, उस वायर में कम करंट होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ करंट है वो इनके अंदर फ्लो होगा। तो हम जो शुरू में करंट बैटरी से कितना निकला था आई, और वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो टोटल करंट जो होता है हमारा वो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल जो हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया V डिवाइड बाय R, इसको पैरेलल मान लेते हैं RP, ठीक है। इसको लिखेंगे V1, ये V डिवाइड बाय R1, V डिवाइड बाय R2, V डिवाइड बाय R3, ऊपर से V कैंसिल हो जाएगा, तो जो इक्विवेलेंट आया पैरेलल में वो आया 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब देखो बच्चे, जो हाउस होल्ड में डोमेस्टिक सप्लाई होती है उसमें जो हमारे घरों में कनेक्शन या डिवाइसेस होते हैं वो पैरेलल कनेक्शन में ही होते हैं। हमारे घर में जो बोर्ड होते हैं वो सभी कनेक्ट होते हैं मेन बोर्ड से, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं एक बोर्ड हो गया, ये कनेक्ट है हमारा मेन बोर्ड से, ये सेकेंड बोर्ड है ये कनेक्ट है उससे, जो थर्ड बोर्ड है ये कनेक्ट है मेन बोर्ड से। अगर एक भी डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मान लेते हैं इसमें प्रॉब्लम आई तो बाकी सारे डिवाइसेस चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रीफर किया जाता है हाउस होल्ड में कनेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें अगर एक सर्किट डैमेज होता है तो बाकी सर्किट चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो काफ़ी मिनिमम हो जाता है। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है जो वो हो जाता है मिनिमम, इसीलिए ये प्रीफर किया जाता है घरों में। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है मिनिमम, जो सबसे कम रेजिस्टेंस इसमें होगा उससे भी कम हो जाता है ओवरऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें तो रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।